हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? भोग करता आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो अभी फिलहाल मैं अपना हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, तो आज मैं यहाँ से जर्नी करने वाला हूँ अपनी न्यू LHB गरीब रथ, जो कि कुछ टाइम पहले ही LHB हुई है। और ये हमने इसमें पहले भी जर्नी करी हुई है, तो ये उस टाइम ICF थी। हमने इसमें करीब एक महीने पहले जर्नी करी थी, उस टाइम ये ICF थी अपनी, ये चेन्नई गरीब रथ। तो आज मैं इसमें जर्नी करने वाला हूँ अपनी LHB गरीब रथ में। तो अभी अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नहीं लगाई गई है, तो अपनी ट्रेन हमारी आती है ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, तो अभी लगाई नहीं गई है। जब लगाई जाएगी तो आपको जरूर दिखाऊंगा इसका LHB का लुक कैसा है, अपनी नई LHB गरीब रथ, चेन्नई गरीब रथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे, जब ये प्लेटफॉर्म पर आएगी तब आपसे मिलते हैं। और आज इसमें लगा हुआ है रोईपुरम का F7 लोकोमोटिव। और आज का हमारा इसमें कोच होने वाला है G14 में 18 नंबर सीट। तो चलिए आपको मैं सीट दिखाता हूँ। इसमें कुछ ऐसा है हमारा ये न्यू इकोनॉमी गरीब रथ का न्यू LHB। ये 18 नंबर सीट, मिडल सीट। इसमें अभी कोई पैसेंजर आया नहीं है, अभी तो मैं ही हूँ इसमें, पूरी खाली है अभी। देखिए इस साइड से जा रही है हमारी गोंडवाना एक्सप्रेस, हम इसको ओवरटेक करने वाले हैं मथुरा के बाद। हाँ जी, तो ये निकल चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन से पूरे ऑन टाइम 3:35 पे। गरीब रथ एक्सप्रेस हमारी निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। तो हमारी ट्रेन ने कर दिया है फरीदाबाद को स्किप, और हमारी ट्रेन ने ट्रेन को ओवरटेक भी किया था झेलम एक्सप्रेस, क्योंकि ट्रेन लगने के चक्कर में बीच में ट्रेन लगी हुई थी, तो आपको हम दिखा नहीं पाए। वो ट्रेन उस साइड लगी हुई थी अपनी झेलम एक्सप्रेस, तो यही वजह से हम आपको ओवरटेक दिखा नहीं पाए, मगर आपको स्किप हमने दिखा दिया है। और आज हमारे साथ ट्रैवल कर रहे नॉर्दर्न ब्लॉगर भैया और अभिषेक भैया। लव रेल जोन नॉर्दर्न ब्लॉगर। हम स्किप कर रहे हैं मथुरा जंक्शन। और ये लगी है समता एक्सप्रेस। क्रॉसिंग और स्किप दोनों मिल गया हमको यहाँ पे, समता के साथ क्रॉसिंग मिल गया और मथुरा का हमको स्किप मिल गया। मज़ा आ गया, मज़ा।
अभी हम ओवरटेक करने वाले अपनी गोंडवाना एक्सप्रेस, जो कि निज़ामुद्दीन से ये जाती है अपनी, क्या नाम है, रायगढ़ तक जाती है, इसको हम अभी ओवरटेक करने वाले। बाढ़ के आसपास हम इसको ओवरटेक कर देंगे, जहाँ तक कि मेरे को लगता है पूरा 130 ओवरटेक होगा। जो आपने क्रॉसिंग देखी है वो अपनी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस थी। और वैसे भाई मौसम एक नंबर हो रहा है, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। दिल्ली से जब निकले थे तो गर्मी इतनी हो रही थी ना, वो हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मगर अभी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, मज़ा आ रहा है, मज़ा फुल। आपको मैं भी बता दूं, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है और मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू आ रही है, मज़ा ही आ रहा है जर्नी में। अभिषेक भैया और नॉर्दर्न व्लॉगर भैया आगरा कैंट से रिपोर्ट कर देंगे ट्रेन को। तो ये पहुंच चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ये ट्रेन पर 10 मिनट की देर से आई है और यहाँ पे इसका 2 मिनट का होल्ड होने वाला हमारी ये गरीब रथ एक्सप्रेस का, न्यू LHB का। और इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से अपनी भरतपुर के लिए लाइन गई है और यहाँ से अपनी मथुरा के लिए लाइन गई है और यहाँ से अपनी आगरा फोर्ट कुंडला के लिए भी लाइन गई है, बहुत सारी लाइनें यहाँ से गई है, तभी इसको जंक्शन बोला जाता है। और यहाँ पे हमारे अभिषेक भैया ने, बाय बाय, थैंक यू भैया, बाय बाय, नॉर्दर्न ब्लॉगर भैया जी। ये भी हमने ओवरटेक किया गोंडवाना एक्सप्रेस, ये चलती है अपनी निज़ामुद्दीन से रायगढ़। इसको पहले हम आगरा से पहले ओवरटेक करने वाले थे, मगर हमने इसको करा आगरा के बाद ओवरटेक, काफ़ी बढ़िया ओवरटेक हुआ। भंडारी जंक्शन पे हमने इसको ओवरटेक करा है गोंडवाना एक्सप्रेस को। जी तो आ चुके हैं हम इसके वॉशरूम में, वॉशरूम का शीशा गंदा ही है और नीचे वॉश बेसिन ठीक ठाक है, इतना साफ है नहीं। और नीचे आप फ्लोर पे देख सकते हो कि ना पानी लगा हुआ है, गंदगी तो है, वैसे गंदगी तो है इधर, और कमबोर्ड तो साफ ही है, वैसे स्मेल भी ठीक है अरे, मगर नीचे फ्लोर पे पानी लगा हुआ है और ये भी थोड़ा गंदा सा और क्या अपना वॉश बेसिन, और ये पानी तो आ ही रहा है, ठीक ठाक है वैसे, उतना अच्छा नहीं है वैसे। और अभी हम पहुंचने वाले हैं ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और जो हमारी ट्रेन है पूरे 20 मिनट की देरी के साथ चल रही है। ग्वालियर जंक्शन 1, 2, 6।
जी तो ये पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये जर्नी बहुत बढ़िया रही, ठीक ठाक रही। पहले ऐसे में चलती थी ये गरीब रथ, अब LHB में होंगे तो जर्नी तो और कंफर्टेबल हो गई है। और हमारी ट्रेन यहाँ पे पूरे 20 मिनट की देरी से आई थी और ये जाएगी चेन्नई तक। हमने इस ट्रेन को यहीं पे डिपोर्ट कर दिया क्योंकि मैंने इसमें पहले भी ट्रैवल करा हुआ है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी तक। तो इसमें मैं फ्यूचर में आके चेन्नई तक ट्रैवल करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टाटा।